मेरा मेरा कहना यह है कि टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसको अपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूँ तो आप क्यों इजाज़त नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहाँ पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहाँ का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे, अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी कर सा, हम क्यों नहीं कर सकते भैया? हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी, मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इनके एमपीस की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा भाई। लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं देती, पूरा एप्लीकेशन इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम, और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, ख़ास तौर से यूथ में, एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाज़त। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूँ, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, सवाल देखिए, सवाल वो नहीं है, एक लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा अख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है, आप कैसे रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको आप, हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिशियल्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा, वो हैदराबाद को आए थे अपने भाई नौशाद के साथ, मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दर्सगाह के, फुरफुरे शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुरे शरीफ में, वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ, वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी के का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता था, ठहरिए देखिए क्या होता है, देखते हैं। आपको क्या डर है कि जो सीपीएम कांग्रेस इनके साथ बातचीत उनकी चल रही है तो कहीं एक 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 बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का सीपीएम का? अगर कांग्रेस का सीपीएम का आउट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। सीपीएम कांग्रेस का आउट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में, और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के ग्रोथ के लिए, वहीं पर कांग्रेस सीपीएम भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई, तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है, तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहाँ भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है, मगर कांग्रेस का कहाँ है, कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते हैं कांग्रेस का बड़ा गढ़ है, हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर, और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, बट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है, किधर है, कौन सी दुनिया में है, कहाँ है कांग्रेस का वोटर? CPM लेफ्ट फ्रंट कहाँ है, किधर है? अब खाली CPM का रेलेवेंट है वो केरला में है, वो मानते हो उस बात को, और हो सकता है कि वहाँ पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है CPM है? अब वो देखिए 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 अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा, उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। हाँ तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे, जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही उनको, मैं कैसे समझूंगा उनको भाई? उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो क्या ओवैसी, क्या ओवैसी देगा, कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी तो ना। फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन, फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन। आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे आप? मेरे को अपनी बात रखने का इख्तियार हासिल है। नहीं एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता क्या डेमोक्रेसी में? मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा, मैं TMC को करूंगा, BJP को करूंगा, CPM को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। I will definitely go, but the question that has been asked to me is about the not giving of permission to MIM party to hold a public meeting in Mithiyapur. ये जब गोधरा हो रहा था ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे?
18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। देखिए लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहाँ पे 144 भी नहीं है, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? खैर वो बीजेपी बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसा बोलूंगा? अरे भाई यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल, अब इस पर वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए MIM के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फ़ायदा हुआ, और आगे जाएंगे हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मुडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के ज़रिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर। देखिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और मुझे यकीन है कि MIM और छोटू भाई वसावा साहब की BTB पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, अमेठी हार गए सो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि ख़ानदानी विरासत में जो चीज़ मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात ज़बान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के ज़रिए से, अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्परेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश, और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप, ये तो ठीक नहीं है साहब। जाएंगे मैडम बंगाल, बराबर जाएंगे, जाएंगे वहाँ पर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, हमारी ऑलरेडी हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही है और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है, और देखिए आगे हम बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आइडेंटिफाई करें, वो एक लिस्ट हम हमारे नौशाद साहब और पीरजादा अब्बास साहब को भी हमारे पार्टी के लोग दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट उनको दिए हैं, आगे देखें क्या होता है। महाराष्ट्र में इसी करे थे गलती कांग्रेस पार्टी। नहीं नहीं, मैं देखिए हम तो जहाँ एप्लीकेशन दे रहे वहाँ के पुलिस के ऑफिशियल से हम अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज़ हमको मौका दीजिए, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा आपका ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करना और एक्सेप्ट करके परमिशन नहीं देना विदाउट एनी वैलिड लीगल रीज़न, वी विल डेफिनेटली, यू आर कंपेलिंग अस टू मेक एन एप्लीकेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट सच एंड सच पुलिस ऑफिसर बींग एट दैट पोस्ट
if he is there during election, the elections will not be free and fair. And that will be, we don't want that to happen. We want the local police administration to give us permission. Because if you are not giving us permission, how can the election be free and fair? That is for the election commission to look into. कुछ वजह नहीं, खाली पिलर टू पोस्ट फिराते हैं हमारे को, वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, आपका परमिशन हो गया, उधर जाइए. हम बोले भाई कागज़ तो दे दो हमारे को. अच्छा रिजेक्ट कर दो आप, नहीं दिए सो. वो भी नहीं करते. हम कल स्पीकर्स लगा रहे थे वेन्यू पर, आके पुलिस रुका दी, लेके चले गए. देखिए प्रसाद साहब, जीत हार तो इलेक्शन में लगी भी है. मैं जब तक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता रहूँगा. मैं जीतूंगा भी हारूंगा भी, तो उसमें क्या करना भाई, मेरी बात तो रखना चाहिए ना मेरे को भाई. ये हमारा क्वेश्चन ये तमाम ये सेकुलर लिबरल इलीट से है, जो बड़ा खुश होते टीएमसी के बातों को. अब जरा मुंह खोलो ना, अब मुंह खोलो ना भाई आप. मगर मेरे को राइट तो मिलना चाहिए ना मेरे बात रखने का. अरे भाई डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, सवाल वो नहीं है. सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमेशा कोई पावर में रहने वाला है क्या? महाराष्ट्र में ऐसे ही कांग्रेस करती थी मेरे को, यूपी में भी अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे मेरे को. आज कहाँ है महाराष्ट्र में कांग्रेस? नंबर वन की पार्टी नंबर तीन हो गई. नंबर वन की पार्टी थी महाराष्ट्र में, नंबर तीन हो गई आज. अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे. हम जब एक महीना पहले आजमगढ़ गया मैं, तो उसी टाइम पे मैं और अखिलेश यादव एक ही वक्त पे लैंड किए. तो ये ठीक नहीं है ना. देखिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पावर इज नॉट इटर्नल. कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा. सबको जाना है, इस दिन जनता है, जनता बादशाह है. बड़े बड़ों को मट्टी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी ये जनता, बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी. तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको दबा, नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप. ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, पब्लिक में रैपो, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है. ये इनर मोस्ट डिज़ायर है बंगाल में, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी में, यूथ में, कि हमारी आवाज़, हमारी पहचान, हमारी ताकत दिखना है. क्योंकि वो देख चुके हैं कि सीपीए लेफ्ट फ्रंट का 25 साल का उनका टेन्योर था, कुछ नहीं करे. टीएमसी भी है, उससे पहले कांग्रेस भी थी. तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देख रहे हैं. क्योंकि 18 सीट जब बीजेपी जीती, उन ये सब दिख रहा उनको कि भाई फिर हमारे वोट की वैल्यू क्या है. और फिर सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है, उस पर भी उनको तकलीफ है. तो ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग. सीपीएम लेफ्ट का, कांग्रेस का तो कहाँ है वोट, कहाँ है उनका, किधर है वोट उनका, उनका वोट है ही नहीं. एक खंडेर खड़ा है जो देख के वो सोचे हाँ एक जमाने बड़ी आलीशान इमारत थी, वही हाल है उनका सीपीएम का, कांग्रेस का. वहां पर हाँ, सो व्हाट विल टाइम्स नाउ कैरी एड्स फॉर मदानी और रिलायंस और नॉट, यू टेल मी. नो नो, यू टेल मी हाउ एथिकल इट इज योर क्वेश्चन. आई एम रिप्लाइंग टू यू, आई एम नॉट. आप बोलिए आप लोग क्या करेंगे. चलिए गनीमत, क्रिकेट का नाम तो क्रिकेट है अब तक. हाँ नहीं नहीं, ये डे एंड नाइट मैच हो रहा है ना. डे एंड नाइट मैच में ऐसा ही होता. बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते नीतीश कुमार को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है.
वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे पांच चंबल के सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमज़ोर हो चुके हैं, वो बीजेपी के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो ज़मीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतज़ाम कराइए, डैम बना है जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतज़ाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। तो नीतीश कुमार से हम बहिष्कृत मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वजह बताई गई है उसमें और आपका क्या जवाब? देखिए, आप थोड़ा देर से आए तिवारी साहब, मैं सवाल का जवाब दिया हूँ। वो ये है कि मैं मानता हूँ कि मेरे को परमिशन नहीं देना ये संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और टीएमसी की सरकार जो एमआईएम पार्टी को पब्लिक मीटिंग नहीं करने का जो कोशिश कर रही है, हम सिर्फ उन सेकुलर लिबरल इलीट से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टीएमसी के एमपीस के भाषण पर दिल्ली में बड़े थालियां मारते हैं, अब थाली बजाइए। जो दिल्ली में टीएमसी के एमपीस लोकसभा में राज्यसभा में बैठकर संविधान की, डिसेंट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, आज उन्हीं की सरकार तो उल्टा काम करती है। मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार क्यों नहीं है? जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सीपीएम के, लेफ्ट फ्रंट के, कांग्रेस के सब लोग सभाएं कर, हम क्यों नहीं कर सकते? यकीनन हम बराबर टीएमसी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ सख्ती से बोलेंगे, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ बोलेंगे, हमको बोलने का इख्तियार है। और वहाँ पर कोई 144 नहीं है, कोई लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ हम लोग राइटिंग में लिख कर दिए, हमको खाली भगा रहे यहाँ से, वहाँ से यहाँ भगा रहे आप, ये मजाक बना के रखिए। और मैं बड़ा पूरी ह्यूमिलिटी के साथ उन पुलिस के ऑफिसरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत करिए आप। आप ऐसा करेंगे तो कल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो हम लिख कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। हमारे को बोलने का अख्तियार हासिल है, हमको बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। गुजरात में जाकर हम बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हम बोल सकते हैं और हम वहाँ जीते, हमारे कॉरपोरेटर्स वहाँ पे। कांग्रेस के खिलाफ हम बोले, यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे हमको परमिशन? कौन किससे मिला हुआ है आपको तय कर ले, जनता तय कर ले कौन किससे मिला हुआ है बंगाल में। सर, आपने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, आपके जो सहयोगी हैं, जिनके अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में आप वहां पर बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुरे शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए, वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीक साहब ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलहदा अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं, आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं, देखिए, वो उनकी उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं, इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता
तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीती? एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बड़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज़्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया, उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया, अब टीएमसी है। तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है, और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगे उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं जैसे कि, क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस कोएलिशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए मैं आज, देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए, अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। अरे अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, आप ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। आवर पार्टी कैडर इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेट अस सी, वी विल डेफिनेटली गो। Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally, you allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. Madam, we have gone over there to what? To do politics, to serve the people. We'll continue to do that. Sir, Madhya Pradesh mein bhi aap ye khabar aa rahi hai ki Madhya Pradesh mein bhi chunav ki ladne ki uski local body. Haan, ladenge. Kyun nahi ladenge? Ladna chahiye. Ladenge bhai, kyun nahi ladenge? Ladenge. Sir, Telangana mein Sharmila party lagaya ja raha hai. Haan. Ab ye sab baatein mere se kyun puch rahe hain aap? एक लास्ट, आप शौकत जी के यहाँ पे जो शादी का कार्यक्रम में गए थे, हाँ, उसमें आपकी मुलाकात शिवपाल यादव से हुई। साथ में बैठ के खाना भी खाए, बताएंगे कि क्या साथ में बैठ के खाना भी खाए। शौकत की बेटी की शादी थी, खुशी का मौका था उसमें, आगे कुछ क्या खुशी? हाँ जरूर, ये खुशी, ये खुशी के मौके आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें क्या बात है? बुरी शिवपाल यादव के साथ मुलाकात करेंगे जाकर, बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं, क्या बात है? आजम खान भी आपके साथ? भाई आज़म खान साहब तो अभी वो परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को कम कर दे, अल्लाह उनकी तकालीफ से उनको छुटकारा दिला दे, वो अभी परेशान है, तो इस तरह का सवाल क्यों करते हैं आप उनके बारे में?